भले मारवाड़ी समझ में आवे नहीं आवे, मैं आवा बार बार मैं बुलाता नहीं जो, मैं आवा बार बार मुंबई के कांदिवली पश्चिम के मोदी रोड के भूरा भाई हॉल में कांदिवली वासियों को 27 वर्ष बाद जिन शासन के महानायक परम पूज्य आचार्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री विश्व रत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में जिन शासन के भक्तों को चातुर्मास के मौके पर सर्व रोग शोक भय निवारक महाप्रभावशाली महामांगलिक का लाभ भक्तों को मिला। Yeah.
आपको बता दें कि गुरुदेव के महामांगलिक में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ देखी गई। यहां तक कि हॉल के बाहर भी खड़े होकर कुछ भक्तों ने इस पावन महामांगलिक का लाभ लिया। मुझे नीचे बिठाया गुरुजी, आप ऊपर बैठे और गुरुजी ने मुझे बहुत सारी उनकी बातें बताई और वो बातें कोई धर्म से रिलेटेड नहीं थी। रिलेटेड थी, कहीं ना कहीं रिलेटेड थी, लेकिन वो ऐसे नहीं कह रहे थे कि तू रोज पूजा करने जा, तू रोज दर्शन करने जा, तू पजूषण में ये करना, तू चौबियार करना, ये नहीं कहा था उन्होंने। बस कहा था कि तू इंसान बन पहले, बाद में ये सब हो जाएगा, पहले तू इंसान बन। तू जैन का बच्चा है तो तू जैन का बच्चा रहे। और मुझे उन्होंने अभी तक मुझे याद है, मुझे उन्होंने एक बात बताई थी कि गुरुजी एक बार बहुत नाराज थे हमारे सबके बिहेवियर से, कि हम कहते ना कि हम तीन थुई है, हम ये है, हम वो है, ये है। तो मैं आज गुरुजी की तरफ से, मैं आज ये छोटा बच्चा हूँ, ज़्यादा बोल जाए तो माफ़ कर देना, लेकिन मैं आज आप सबको मेरे मम्मी पापा दादा दादी अंकल आंटी ऐसे समझ से एकदम हक से आपको कह रहा हूँ कि कल से अगर आपको कोई भी पूछे कि आप कौन हो तो बस एक ही शब्द कहना कि मैं जैन का पुत्र हूँ। बस मैं महावीर का संतान हूँ और मैं जैन हूँ, बस इतना ही कहना। इस पावन महामांगलिक की बात करें तो कांदीवली का जब भी महामांगलिक का नाम लिया जाएगा, यह कार्यक्रम अपने आप में सुनहरे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको बता दें, इस महामांगलिक को सफल बनाने में श्री महावीर नगर जैन संघ, श्री ईरानी वाली जैन संघ, श्री मुनि सुब्रत स्वामी जैन संघ और कांदीवली वेस्ट का पूरा सकल जैन संघ का विशेष सहयोग रहा। तो ही महामांगलिक को सफल बनाने में प्रमुख सहयोगी विनोद भाई शाह, महामांगलिक प्रभारी जम्बू सी सेठ, धवल बोहरा, कमलेश भाई बखारिया और तारक मेहता का उल्टा फेम चश्मा आर्टिस्ट टप्पू जी और विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने मार राजस्थान के एडिटर रितेश पाठक से खास बातचीत की। तो आइए देखते हैं इस महामांगलिक के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस वक्त मैं कांदीवली के सकल जैन संघ में मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ जिन शासन के महान गौरव प्रातःष्मणि आचार्य भगवान श्री विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के सानिध्य में जो महामांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। महाराज साहब, कार्यक्रम में लोग महामांगलिक का लाभ इतनी ज़बरदस्त संख्या में जिन शासन के भक्त लिए कि पंडाल तो कम पड़ा ही, लोग खड़े होकर के महामांगलिक का लाभ लिए, यहाँ तक कि बाहर तक हमने देखा, हमारी टीम लगी हुई थी देखा। तो इस प्रकार से जो महामांगलिक का अद्भुत और एक अनोखा रूप देखने को मिला है, भक्त आनंदित हैं, काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिन शासन के भक्तों के लिए महाराज साहब की तरफ से क्या मैसेज है? ये मांगलिक मेरा नहीं है, ये मांगलिक जिन शासन की जो परंपरा है उस परंपरा में चलते हुए मेरे गुरुदेव आचार्य श्री नवरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी का है, जिन्होंने इस मांगलिक के मंत्रों का सृजन किया और आम जनता तक पहुँचाया। मैं तो एक छोटा सा मीडिएटर हूँ, उनके बताए हुए पथ पर चल रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी मेरे गुरुदेव नरोत्तम साहब जी का है उन्हीं के नाम से मैं आशीर्वाद देता हूँ, लोगों के काम हो जाते हैं। कोई व्यक्ति निष्फल नहीं जाता है, प्रवचन श्रवण करने के बाद में बहुत अद्भुत उसको शांति मिलती है, ये शांति के लिए ही लोग दोबारा आते हैं। कौन आता है दौड़ दौड़ के, कौन आता है, चमत्कार के बिना आता कौन है दुनिया में? जी महाराज साहब, बिल्कुल चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। दूसरी तरफ जो है मध्य प्रदेश की वसुंधरा से माया आर्थिक नगरी मुंबा देवी माया नगरी मुंबई में आपका 27 वर्ष बाद एक लंबा प्रवास होता है, 27 वर्ष बाद जो है आपका सानिध्य लोगों को मिला है, तो आर्थिक नगरी मुंबई के भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? धर्म की भावना बड़ी बेताब है लोगों में, बड़ा उत्साह है, बहुत ज़बरदस्त उमंग है और सबसे अच्छी बात है कि सरलता है, सहजता है, कोई कपट नहीं है, कोई दम्भ नहीं है, कोई माया नहीं है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं और धर्म से जुड़ने के बाद और उनमें भावनाओं में इजाफा होता है। मैं इनकी भावनाओं को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। महाराज साहब, एक आखिरी सवाल आपके साथ जो है, जम्बू सी सेठ जी खड़े हैं जो महामांगलिक के पूरे मुंबई के प्रभारी भी हैं, इनके लिए, इनकी टीम के लिए क्या मैसेज? बस दैवीय संकेत के आधार पर इनको ये दायित्व मिला है, न तो मैंने इनको दिया है न तो इन्होंने लिया है, कोई दिव्य शक्ति जो थी, दिव्य शक्ति ने इनको मुझे प्रेरित किया और इनको ये आदेश मिला है।
एक ऊर्जावान व्यक्ति है, बहुत ज़बरदस्त दबंग शक्तिशाली व्यक्ति है। कुछ कर गुजरने का इस व्यक्ति में मादा है। मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ गुरुओं का इनके ऊपर कि इनकी शक्तियाँ खूब बढ़े, खूब अच्छे शुभ कार्य इनके द्वारा हो। और अभी तो ये छोटी सी मंजिल है, अभी तो बहुत लंबा लक्ष्य हमारा बाकी है। ट्रेलर से शांत मत हो जाइएगा, लंबी उम्र गुजारनी है और लंबे शासन के काम करना है। ये शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो महाराज साहब ने देख सकते हैं किस प्रकार से कहा कि भी ट्रेलर जो है लॉन्च हुआ है, यानी महामांगलिक का अभी जो है पूरी फिल्म बाकी है। विश्व रत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने महामांगलिक के प्रभारी जम्बूसी सेठ के लिए एक मंगल कामना की है, आशीर्वाद दिया है, आशीर्वचन दिया है। कहा है अभी तो जो है ट्रेलर जो है जम्बूसी सेठ ने महामांगलिक कार्यक्रम को लेकर दिखाया है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जब जो है महावीर स्वामी का जो है आदेश होता है तो जम्बूसी सेठ जैसे समाजसेवी महामांगलिक का कार्य जो है सकुशल और एक ऐतिहासिक रूप से कराते हैं। तो हम भी ऐसे भक्तों को, जिन शासन भक्तों को और ऐसी टीम को जो है बधाई देते हैं कि इस प्रकार का कार्यक्रम जो है मुंबई ही नहीं पूरे देश में आयोजन करते रहें और लोग महामांगलिक का लाभ लें, अपने जीवन को धन्य धान करते रहें। बॉम्बे में गुरु मा जब पहले पधारते, मैं बने के अंदर भाईंदर में, तो उनका फर्स्ट मांगलिक था भाईंदर बावन दिन वाले मंदिर के अंदर। और उनका यह कहना था कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो गुरु महाराज को हमने कहा था कि वी आर देयर एंड डोंट वरी। तो हमने जो फर्स्ट मांगलिक करवाया था बावन जिनाले भाईंदर मंदिर के अंदर, वो ऐतिहासिक बन गया और उस मांगलिक को परंपरा चलती रही और आगे बढ़ते वो ऐतिहासिक बनता गया। और आज हमने देखा इतने सारे पब्लिक देखकर कि हमको भी आश्चर्य हो गया कि वाह वाह क्या पब्लिक प्रेरणा है और इस मांगलिक से पब्लिक के अंदर कितना प्रभाव हो रहा है, ये हमको आज मालूम पड़ रहा है। बस मैं यही शुभेच्छा चाहता हूँ आने वाले अगले मांगलिक के अंदर भी इससे भी ज़्यादा पब्लिक बढ़े और उनका भी कुछ आदि व्याधि और विनाश सब नाश हो गए। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं और गुरुदेव से भी आशीर्वाद चाहते हैं। कांदीवली के संघ में महामांगलिक विश्व रत्न सागर सुरेश्वर जी का जो सानिध्य प्राप्त हुआ है, इसमें जो है दिन शासन के भक्तों के साथ साथ तारक मेहता के उल्टा फेम के एक्टर जो है टप्पू जी हमारे साथ है। टप्पू जी, सबसे पहले महाराजस्थान में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे, आप काफ़ी युवा हैं, युवा जिन शासन के भक्त हैं, भारी संख्या में युवाओं का एक हुजूम उमड़ा है। जिन शासन के युवा भक्तों के लिए, युवा टैलेंट जो एनर्जी से पूरा सराबोर होता है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? बस यही कहेंगे कि हम जैन हैं और जैन के संतान रहे, हम हमारे जितने गुरु हैं उनकी बात सुने और हमारे जैन धर्म पर आ चाहे ऐसा कोई काम ना करें। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि विश्व रत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के साथ आपका सानिध्य प्राप्त हुआ था, तो कोई ऐसी बात है जो आपको जेहन में दिल को छू गई हो वो महाराज साहब के लिए शेयर करना चाहेंगे जो आज भी आपके जहन में बनी हुई? हर बार जब भी मैं गुरुजी से अलग होता था तब गुरुजी के चेहरे पर एक दुख वाला स्माइल होता था कि तू मत जा, कि मैं थोड़ी देर और रुक जा, मत जा, बस वो चेहरा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक आखिरी सवाल, यहाँ पे जो महामांगलिक का आयोजन हो रहा है, चातुर्मास चल रहा है, तो चातुर्मास का जो कार्यक्रम होता है, चातुर्मास आपके जीवन में कितना महत्व रखता है? बहुत महत्व रखता है, हमें सुधारता है, वो चार महीना हमें सुधारता है। और हमें सिर्फ चार महीना ही देरा सर जाना और मांगलिक सुनना नहीं होना चाहिए, वो हमारे जीवन में होना चाहिए, वो हमें एवरीडे इंकल्केट करना चाहिए। देख सकते हैं कि जो है चातुर्मास जो पर्व चल रहा है, इसमें जो है हमारे जो टप्पू जी भी विभिन्न जो है जहाँ पे चातुर्मास हो रहा है, मांगलिक का कार्य हो रहा है, वहाँ पे जा करके जिन शासन के गुरुदेव आराध्य गुरुवर्ण भक्तों का जो है आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने जीवन को जो है धन धान कर रहे हैं। मारो राजस्थान की खास पेशकश महामांगलिक के महाकवरेज में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है कांदीवली वेस्ट के सकल जैन संघ में आचार्य जो है विश्व रत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के सानिध्य में महामांगलिक हुई है। मैं अपने कैमरा पर्सन से इन जिन शासन के भक्तों को दिखाना चाहूँगा जो श्रावण के महीने में चातुर्मास चल रहा है और महामांगलिक का जो है सानिध्य प्राप्त हुआ है विश्व रत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब आदि साधु साध्वी वृंदों का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। महामंगली का एक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऐतिहासिक भव्य और एक अद्भुत तरीके से जिन शासन के भक्तों को लाभ कराने के लिए हमारे तमाम ऐसे भक्त हैं, इन लोगों को दिखाएं कि जो कांदीवली का महामांगलिक है, बिले पार्ले के बाद कांदीवली का महामांगलिक है। सकल जैन संघ के पदाधिकारी विनोद भाई जम्बूसी सेठ समेत तमाम पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि सर आपसे जानना चाहूंगा कि विनोद सर, आपने जो महामांगलिक का पूरा कार्यक्रम हुआ है इसको लेकर के पूरी टीम के लिए विनोद जी की तरफ से क्या मैसेज है? आज का जो महामांगलिक हम लोग को महाराज साहब की कृपा से मिला, उसमें ईरानीवाड़ी कांदीवली श्वेतंबर मूर्ति पूजक संघ और शंकर गली दरेकना बधा कार्यकरो बहुत सारी मेहनत करी और वो इसका ऐसा ये संघ पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ।
उसमें विनीत जी और सब भी सबका पूरा पूरा सहयोग मिला है। इतना सर कहना चाहेंगे आज के महामांगलिक के बाद कांदिवली संघ में और कौन कौन सा कार्यक्रम होने वाला है? आज के महामांगलिक के बाद और क्या क्या ऐसा कुछ पर्व चातुर्मास के दौरान दिखाई देगा? अभी शिबिर भी चालू होगा, हर संडे को शिबिर रहेगा, बाद में चातुर्मास के दरमियान दूसरा दो मांगलिक भी आएंगे और सिद्धि तप का जो चल रहा है वो भी चलेगा, वो चालू है ऐसा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ और पदाधिकारी जुड़ रहे हैं जी, आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे पूरे धवल जी क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेके? ये कार्यक्रम के लेके हमारे मन में बहुत सारी उत्सुकताएं थी। गुरुजी ने कांदिवली में जो इतने साल के बाद जो आगमन किया है, ये आगमन हमें पता ही था कि ये गुरुजी को एक शंका थी कि ग्राउंड छोटा पड़ेगा, मगर हमने बोला कि आज तक कभी इतने लोग आए ही नहीं है, मगर न देखी न भूतो न भविष्यति, इतने श्रद्धालु यहाँ पे आए, मेरे ख्याल से हजारों लोग तो बाहर से ही चले गए, और ये महामांगलिक का जिसने लाभ लिया और ये कांदिवली की पावन भूमि को ये अवसर पर इतना धन्य सुनहरा अवसर हम लोग को यहाँ पे मैनेजमेंट करने को मिला, और हमारा सद्भाग्य होगा कि ऐसे गुरुजी का महामांगलिक हमको सुनने को मिला, हमारा जीवन धन्य बने और ऐसे गुरुजी के चरणों में हम लोग कोटि कोटि वंदन करते हैं। और कांदिवली जैन फेडरेशन, कांदिवली ईरानीवाड़ी जैन संघ, मुनि सूरत जैन संघ और शंकर गली जैन संघ की तरफ से मैं बाहर बैठे हुए लाखों श्रद्धालुओं का भी हार्दिक आभार मानता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय घंटाघर महावीर। जय जिनेन्द्र, जय घंटाघर महाराज। आप काफ़ी युवा हैं, जिन शासन के एक महान प्रेमी भक्त हैं, क्या मैसेज है जिन शासन के भक्तों के लिए जो इस प्रकार के पर्व हो रहे हैं पूरे चातुर्मास के दौरान? महामांगलिक की तो एक अलग महत्व होती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कांदिवली के जो तीनों संघ हैं उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इतना भव्य माहौल बनाया। जबकि संघ गुरुदेव जब इधर आए थे और हम मिले, बोले जम्मू भाई छोटा संघ है, उपासरे का नहीं, लेकिन धवल भाई ने और बाकी संघ के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने क्रिश्चियन क्लब को लेकर, और गोपाल जी शेट्टी का भी, इन्होंने पहली बार जब चातुर्मास प्रवेश हुआ था इधर आए थे उस टाइम, तो इन्होंने ये सब लाभ अपने को मिला उनकी वजह से, और आज इस माहौल को भव्य बनाने में इनकी जितनी तारीफ करें उतना कम है, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और कांदिवली की संघ की मैं जो तारीफ करूँ कम पड़ेगी, क्योंकि इतना छोटा संघ और इतने बड़े लेवल पे 5000 पब्लिक का जनसैलाब मैंने पहली बार देखा है। मैंने कई महामांगलिकें देखी है, कई महामांगलिकों में मैं जाता हूँ, मैं प्रभारी रहा हूँ, लेकिन आज की जो महामांगलिक देखी मैं गदगद हो गया। इसका मैं कुछ बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, अद्भुत महामांगलिक कह सकता हूँ। कांदिवली संघ को बहुत बहुत अनुमोदना, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं त्याग समर्पण भावना होती है, तो निश्चित तौर पर वो संघ वो समाज विकसित करता है, विकास करता है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पदाधिकारी जुड़ रहे हैं, कहते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवानों का साथ हो तो निश्चित तौर पर वो संस्था जो है, संघ जो है, एक अद्भुत और एक अनोखा कार्यक्रम पेश करती है। सर आप एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, ट्रस्टी हैं, क्या कहना चाहेंगे जिन शासन के भक्तों के लिए? महामांगलिक का जो एक महान पर्व यहाँ पे आज आयोजित हुआ है, भारी संख्या में लोग आए, यहाँ तक कि पंडाल में काफ़ी लोग खड़े रहे, काफ़ी लोग बाहर से ही महामांगलिक का श्रवण किया, लाभ लिया, क्या कहना चाहेंगे आचार्य श्री के लिए और पूरी टीम के लिए? ये कांदिवली महानगर में गुरुजी हमारे 27 साल के बाद में पधारे हैं। उनका जन्म भले राजस्थान में हुआ है, उनकी कर्मभूमि भले मालवा में रही है, लेकिन ये हमारा जो मुंबई का प्रदेश है, ये महानगरी है, मोहमय नगरी है। यहाँ जो कोई भी आता है ये सब यहाँ समा जाते हैं। गुरु भगवान जब यहाँ आए थे तभी किसी को ऐसा विश्वास नहीं था कैसा वातावरण हमारे कांदिवली में संपादन होगा। हमें जरा भी विश्वास नहीं था कि यहाँ जो 2-3 हज़ार से ज़्यादा आदमी आएंगे, इसलिए हमारे कांदिवली ईरानीवाड़ी जैन संघ ने और हमारे मुनीश्वर जैन संघ ने एवं हमारे शंकरगली जैन संघ ने ये जवाबदारी स्वीकारी थी। लेकिन हमारा पुण्य इतना मजबूत है, साधु भगवंत का पुण्य इतना मजबूत है कि यहाँ जो भी कार्य साधु भगवंत ने थाना, जो बाकी लोगों को ऐसा लगा कि ये कार्य संपन्न, बाकी सभी लोगों को ऐसा लगा कि ये कार्य यहाँ संपन्न नहीं होगा, शायद गुरु भगवंत को भी शुरू में ऐसा लगा होगा कि क्या मेरी भावनाओं को ये लोग मूर्त स्वरूप दे पाएंगे कि नहीं। लेकिन हमारा भी सौभाग्य इतना तेज है, हम लोग भी इतनी कड़ी मेहनत में लगे हुए हैं, कल रात को भी पूरी रात इधर ठहर के कि बाकी लोगों को सही सगवड़ मिले,
लोगों को तकलीफ नहीं हुए, ये कार्य में हम जुटे हुए थे, लेकिन लोगों ने भी बहुत सहकार दिया हमारे कार्यकर लोगों, उसमें जो हमारा जो युवक मंडल है, जो युवक मंडल ने जोरदार कार्य किया हुआ है। हम यहाँ का ये जो वातावरण देख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो 5000 आदमी जो उधर खाना खा रहे हैं, वो हमारा अंदाज था 2000 आदमी खाना खाने वाले, वो लोग भी अभी जूझ रहे हैं ये व्यवस्था संभालने के लिए। अभी आज बाकी तीन जो कार्यक्रम हमारे बाकी थे, जिसके लाभ देना बाकी थे, हमको लगा ये लाभ हम कब दे पाएंगे, लेकिन ये 2 मिनट में ये सब लाभ दे दिया, और भविष्य में भी ये कांदिवली में इतिहास होने जा रहा है। बाकी सब प्रदेशों में, वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, लेकिन हमारा कांदिवली इतिहास बन जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे संघ के पदाधिकारी, जिन्होंने इस मंगल प्रवेश महामांगलिक को भव्य और ऐतिहासिक बनाने में एक अहम योगदान दिया है। कैमरा पर्सन शमशाद शेख के साथ रितेश पाठक, मारो राजस्थान, मुंबई।